तकवियत दी जा सकती थी, उस पर शायद ये दिन मौजू नहीं कि गुफ्तगू की जाए कि फिर उसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्लाइट किया जा सकता है, मनफी तरीके से एक्सप्लाइट किया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि नारे इस्लामाबाद में बैठी हुकूमतों को या गिराने के लिए भी इस्तेमाल किए गए और उनकी जगह लेने के लिए भी इस्तेमाल किए गए। इन दोनों नारों को हमारी सियासी तारीख में बार बार इस्तेमाल किया गया। लिहाजा पहला फ़र्ज मीडिया पे जो आयत होता है, जितनी बात मैंने की है, अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हों और हमारी कौमी सियासी तारीख इसकी शहादत देती और उस शहादत को आप तस्लीम करते हों, तो पहला फ़र्ज़ जो मीडिया पे आयद होता है, क्योंकि ये मीडिया के किरदार के हवाले से हम गुफ्तगू के लिए जमा हुए हैं, कि हम इन नारों को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। कश्मीर की आज़ादी एक असूल के तौर पर तस्लीम की जाए, एक प्रिंसिपल के तौर पर तस्लीम की जाए, और प्रिंसिपल ऐसा जिसे बैनुल अक़वामी अखलाकियात भी तस्लीम करती है, बैनुल अक़वामी सियासत भी तस्लीम करती है और बैनुल अक़वामी कवानीन भी तस्लीम करते हैं। हम उस असूल को बुलंद करें और इस असूल की आड़ में अपनी सियासत को तरक्की देने के लिए या अपनी सियासी मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल ना करें, जो कि हमारे यहाँ माजी में होता रहा है। दूसरी अहम बात कि अगर हमें इस असूल को अपने मीडिया के ज़रिए उजागर करें, और चूंकि पाकिस्तान का मीडिया इस खित्ते में भी पढ़ा जाता है और सुना भी जाता है, और दुनिया में भी अब हमारा मीडिया पढ़ा भी जाता है और सुना भी जाता है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद और सोशल मीडिया के बाद। अंग्रेज़ी अखबारात की पहुंच थी सफारतखानों तक, लेकिन सोशल मीडिया की आमद के बाद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद और सैटेलाइट मीडिया के आने के बाद अब आप दुनिया के हर मुल्क में देखे जाते हैं और हमारी बात को वहाँ पे सुना जाता है। तो अगर हम इस असूल को तस्लीम करते हैं कि इस खित्ते में रहने वाले एक कौम का हक़ खुद अरादियत, जिसका वादा किया गया है, उस वादे की एफा होनी चाहिए, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि हम उस असूल का परचम एक हाथ में थाम लें और दूसरे हाथ से उस असूल की नफी करने के लिए पोस्टर्स और बैनर्स सड़कों पर लगाते भी फिरें। अगर एक कौम का हक़ खुद अरादियत हम मांग रहे हैं, तो अपना हक़ खुद अरादियत छीनने की दावत नहीं दे सकते। और अगर बैक वक्त हमारे मीडिया पे ये दोनों आवाज़ें बुलंद होंगी कि कश्मीर के लोगों के हक़ खुद अरादियत के लिए हम परचम बुलंद भी करें और पाकिस्तानी अवाम के अपने हक़ खुद अरादियत को कुचलने की दावत भी दे रहे हों, उसके खिलाफ भी बात कर रहे हों, तो हम अपने मुकदमे को ना सिर्फ कमज़ोर करेंगे बल्कि कश्मीर के मुकदमे को भी कमज़ोर कर देंगे। तीसरी बात, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में ज़र्बे अज़ब जारी है। जो मुल्क खुद दहशतगर्दी का शिकार है और जो मुल्क खुद दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, वो दहशतगर्दी की हमायत नहीं कर सकता। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जब पाकिस्तान पर लगता है तो हम अपनी सफाई में क्या कहते हैं? हम अपनी सफाई में ये कहते हैं कि हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। जो खुद दहशतगर्दी का शिकार हों, उन्हें फिर दहशतगर्दी की हर किस्म की
काम लगाते हैं कि दहशत गर्दी में हमारे मुल्क में बैरूनी हाथ मुलव्वस है, तो हम किस असूल को बुलंद करते हैं? हम इस असूल का परचम बुलंद करते हैं कि किसी दूसरे मुल्क को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करें। लिहाजा जब कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी पर कोई शायबा भी ऐसा आ जाए, कोई शक भी ऐसा आ जाए कि जिस असूल की हम मुखालफत कर रहे हैं, जिसको हम अपने लिए नापसंद कर रहे हैं, किसी दूसरे को शायबा भी ऐसा हो जाए, कोई निशानी ऐसी मिल जाए, ख्वाह वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, मैं इस बहस में जाए बगैर कहता हूँ, क्यों कोई निशानी भी ऐसी मिल जाए, तो दरअसल फिर हम कश्मीर के मुकदमे को कमज़ोर करते हैं। लिहाजा जब कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद के लिए कोई रास्ता अख्तियार करते हैं और वो जो मर्जी रास्ता अख्तियार करें, ये उनका हक है। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का ये हक है।